ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम दोस्तों का केदारनाथ जाने का प्लान बनता है और बैग लेकर निकल भी पड़ते हैं। हम लोग केदारनाथ जाने के लिए निकले हैं, पर मर्जी तो भोले बाबा की चलेगी कि वो कहाँ लेके जाते हैं। ट्रेन रात के 2 बजे की थी, पर हम 1 बजे से पहले स्टेशन आ गए थे। टिकट का रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया तो जनरल की टिकट ले लिए। जैसे तैसे स्टेशन पे 1 घंटा काटे और फिर ट्रेन का आने का टाइम हो गया था। ट्रेन पे चढ़ते हैं, उस पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लगने लगा कि जाने का डिसीजन गलत था। थोड़ी देर बाद बैठने तक की जगह मिलने लगी थी। रात कट गई और फिर सुबह हम हरिद्वार में उतर जाते हैं। हरिद्वार में रुकने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए स्टेशन पे ही फ्रेश वगैरह होते हैं। नदी के और पहाड़ों के उतने में एक और ट्रेन आती है, जिसमें मेरे दोस्त के दोस्त आते हैं, उनसे मिलना होता है और फिर स्टेशन के बाहर जाके खाना खाते हैं। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि हम लोग 12 जने ट्रिप पे आए हैं। फिर हम खाना खा के सीधा हर की पौड़ी के लिए निकलते हैं। गंगा को देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर नहाने के लिए कम भीड़ वाली जगह ढूंढते हैं, पर ये तो नामुमकिन है। तो ऐसे ही भटकने और गंगा के कई शॉट लेने के बाद दूर होके भी तो साथ, जहाँ जगह मिलती है वहीं पे कूद पड़ते हैं। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से। बहुत देर तक अपने पापा को धोते हैं और उसके बाद तैयार होकर ऋषिकेश जाते हैं। सारी जिंदगी सजी है। ऋषिकेश पहुंचते ही बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। कोई ऑटो वाला ले जाने को तैयार नहीं होता तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं। और एक 5-स्टार सुपर डिलक्स होटल लेते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मेरे साथ के 10 लोग रामझूला देखने जाते हैं और मैं और मेरा दोस्त आदर्श, हम दोनों केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करने जाते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। शायद भोलेनाथ का कहीं और ले जाने का प्लान है, कहाँ वो तो आगे जाके पता चलेगा। फिर हम दोनों भी रामझूला के पास आते हैं, उन सबसे मिलते हैं और खाना पीना खा के होटल में जाके सो जाते हैं। अगली सुबह सब जल्दी उठते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। भाई कुछ कहना चाहता है? अभी तो नहीं, राफ्टिंग के बाद कहते हैं। और हम सब चल देते हैं कोई राफ्टिंग वाले को ढूंढने के लिए। फिर हमें एक ऐसी गाड़ी में बिठा दिया जाता है जिसके ऊपर बोट और हमारे नीचे चप्पू रखा होता है। हम 12 लोग थे, इसलिए यहाँ से 2 ग्रुप में बढ़ चुके थे, क्योंकि एक राफ्ट पे सिर्फ 8 बंदे ही आ सकते हैं। तो हमारे 4 बंदे दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। फिर हमें रामझूला से 18 किलोमीटर दूर शिवपुरी में लाके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। फिर हमें लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर रेडी कर दिया जाता है, साथ में चप्पू देके बोट पे बिठा दिया जाता है। राफ्टिंग मेरा फर्स्ट टाइम था, बल्कि मेरा ही नहीं सबका फर्स्ट टाइम था, इसलिए फर्स्ट रैपिड में हम थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन जैसे ही खत्म होता है हमें मजा आने लगा था। फिर बोट वाला हमें गंगा में जाने को बोलता है, जो सबसे मजेदार पार्ट था। लाइफ जैकेट भी पहन रखा था, इसलिए डूबने का कोई डर नहीं था। एक बार तो बोट पे से जंप लगाने को भी बोला। पंछी बनू उड़ते फिर, वो कहते हैं ना जिंदगी एक बार मिली है खुल के जी लो। वेलकम टू माय व्लॉग, हम राफ्टिंग कर रहे हैं अभी और बहुत मजा आ रहा है। हेलो गाइस, अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल है भाई, लाल है हमारी बोट, लाल है। यहाँ हमारी राफ्टिंग खत्म होती है। भाई साहब बहुत मजा आया हुआ है, जिंदगी जी ली आज हमने। ये बहुत ज्यादा मजा आया। और ये हमारे तो जुड़े हुए, कैसा लगा? हमसे ज्यादा नहीं आया होगा, लेकिन बोट पे से उतरते ही तुरंत पानी पूरी, गंगा के किनारे मैगी और सोडे का आनंद लेते हैं। फिर थोड़ा घूम फिर के अब हम जा रहे हैं गाइस बाइक लेने। बिल्कुल, स्कूटी भी ले सकते हैं। ब्रदर, हैव योर एक्सपीरियंस ऑफ राफ्टिंग? जल्दी करो।
लेकिन छुट्टियों का टाइम था इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा और स्कूटी बहुत कम मिल रही है। पर मेरे एक जुगाड़ के बाद दोस्तों में स्कूटी मिल चुकी है पर कैलाश गेट नहीं मिल रहा। कैलाश गेट नहीं मिल और भीड़ बहुत ज्यादा है। केदारनाथ तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन केदारनाथ के आसपास ही कहीं भोले बाबा के पास जा रहे हैं। वहां तक की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। नमो नमो जय शंकर भोलेनाथ।